26 अप्रैल 2017 को राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री को आजन्म 13 नंबर का बंगला देने के लिए और आजन्म भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर की सुविधा देने का एक विधेयक पारित किया था। मैंने उस विधेयक के विरोध में विधानसभा में भी विरोध किया और विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया, राज्यपाल को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। ये सब नहीं होने के पश्चात एकात्म सत्याग्रह किया, हजारों कार्यकर्ता उसमें शामिल थे और मैंने मांग की कि मुख्यमंत्री अपने अधिकृत आवास 8 नंबर सिविल लाइन्स में जाए और 2000 करोड़ की संपत्ति जिस पर आजन्म कब्जा करने के लिए उसने कानून बनाया है उस कानून को निरस्त किया जाए और 13 नंबर खाली किया जाए। सौभाग्य की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज यह फैसला दिया है कि ये सारे कानून जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजन्म मकान देने के लिए है अवैधानिक है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संपूर्ण देश भर में लागू होता है। तो मैं मांग करता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत 13 नंबर का बंगला खाली करके 8 नंबर में जाए और आज तक जितना खर्चा 13 नंबर पर हुआ है वो सारा मुख्यमंत्री से वसूल किया जाए और 13 नंबर तुरंत खाली करे। और ये जो कानून बनाया था जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्रियों को जागीरदारी प्रथा वापस पुनर्जीवित कर दी थी उस कानून को समाप्त किया जाए और अन्य जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बंगले खाली कराए जाए। अगर ये सरकार ने काम नहीं किया तो वाय नहीं, इसके खिलाफ जनता में जाकर भी आंदोलन करेगी। जो भी कानूनी और संवैधानिक उपचार किए जा सकते हैं वो उपचार करके हम सरकार को बाध्य करेंगे कि मुख्यमंत्री खाली करें और ये कानून रद्द हो।